सीएनजी ऑफ मतलब स्पोर्ट्स मोड, एक्चुअली स्पोर्ट्स मोड है। तो फ्रॉन्क्स में जब मैं बैठा मेरे को एसयूवी वाला फील नहीं आया। अच्छे खासे लोग भी बैठे हुए गाड़ी के अंदर, चार लोग बैठे हैं। कि आपको हमारे यहाँ से एक्सेसरीज लगवानी पड़ेगी। और कितने की? वो उन्होंने मेरे को ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपए की बोली। इस प्राइस रेंज या इस प्राइस ब्रैकेट में कोई और गाड़ी ऐसी प्रोवाइड नहीं कर रहा, चाहे मारुति हो चाहे हुंडई हो। आज मेरे पास एक ऐसी गाड़ी है जिसने अच्छी अच्छी टॉप सेलिंग गाड़ियों की हवा खराब कर रखी है सेल्स के मामले पे। अभी वो दूसरे नंबर पे आ चुकी है। पिछले 2 महीने से 15,000 से भी ज़्यादा बिकती है। आज देखने वाली बात ये होगी कि ऐसा क्या है उस गाड़ी में जो ओनर खरीद रहे हैं उस गाड़ी को। गाड़ी है आपकी जानी पहचानी टाटा की पंच, ये है ICNG और गाड़ी है हमारे राहुल जी की। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर जी। और मुझे एक बात बताइए, कितना टाइम हो गया इसको खरीदे हुए? मेरे को उसको ले हुए 6 महीने हो गए हैं। कितने की ऑन रोड पड़ी थी? मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 785 की। तो राहुल जी बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि इनके पास पहले गाड़ी थी वैगन आर से इन्होंने अपग्रेड करा। वैगन आर आपने कितने साल चलाई और कितने किलोमीटर चलाई? वो अराउंड चली है 62,000 एंड 6.5 ईयर्स में। CNG में ही थी? CNG थी। मुझको एक बात बताओ कि अपग्रेड लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। क्या क्या आपको अच्छा लगा उसके कंपैरिजन में इस गाड़ी को लेने के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स है, बिल्ड क्वालिटी है, एक बैठ के एसयूवी वाला फील आता है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। अब मुझको एक बात बताओ, कितना माइलेज में फर्क पड़ा, क्योंकि ये थोड़ी सी भारी भरकम गाड़ी है। मैं भी रवि जी यही डाउट में था कि एक्चुअली वैगनर है 1000 cc है, 1200 cc। जब मैं लेने को सोचा कि शायद एवरेज में मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, बट ऐसा हुआ नहीं। सिमिलर ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। क्यों आपने अपनी ड्राइविंग स्टाइल को चेंज करा उसके बाद? मतलब वैगनर की तरह ही चलाते हैं आप इस गाड़ी को? हाँ बिल्कुल वैसे ही। और ये अभी कितना निकाल कर दे रही है एवरेज? लोकल में अगर बात करूँ 16-17 के आसपास की दे रही है। हाईवे पे मेरे को इसने 36-37 की एवरेज दी है। ज्यादा से ज्यादा एक टैंक में ये कितनी चली हुई है? 300 प्लस चली हुई है ये। तो क्या बात कर रहे हो, कैमरे में? बिल्कुल 300 प्लस चली हुई है ये गाड़ी। तब आप कहाँ लेकर गए थे इस गाड़ी को? मैं एक्चुअली मेरा ट्रिप था फैमिली के साथ जयपुर का, मतलब 3-4 डेस्टिनेशन का था। तो ऑलमोस्ट मेरे 1300 प्लस की जर्नी थी। अच्छा। जिसमें मैं 1200 प्लस मैंने सिर्फ CNG पे ही चलाई थी। Okay. और टैंक टू टैंक मैंने हर बार कैलकुलेट करा, 36-37 के आसपास ने मेरे को एवरेज दी है। 36-37 पर kg, इतना ना भी दे, 26-27 का भी दे दे, वो भी मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। तो जिस हिसाब से इसका वेट है, वेट एक्चुअली जब आपको इतना एवरेज दिया, तो गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए थे उस टाइम? हम 4 लोग थे। 4 लोग थे विद लगेज? विद लगेज। इसमें तो वो टेंशन भी नहीं, नहीं है इसमें। ऑब्वियसली 200 प्लस लीटर का इसमें स्पेस है, तो एटलीस्ट 2-3 बैग्स इजीली आ जाते हैं हमारी फैमिली के। तो हाईवे पे किस स्पीड में चलाते हैं आप जो इतना एवरेज निकाल लेते हैं? थोड़ा ट्रिक हमें भी बताइए। बिल्कुल, मैं 80-90 के आसपास ही चलाता हूं, ताकि मेरे को एवरेज ज्यादा दे। कोई मेरे को शौक नहीं है 120-140 पे चलाने का, क्योंकि एक एवरेज भी मैटर बहुत करती है। कंपटीशन में बाकी गाड़ियां भी थी, काफी थी। सीएनजी में अभी इसका राइवल भी आया है, जबकि राइवल के आने के बाद ही और ज्यादा बिकने लग गई है, जो डायरेक्ट राइवल है इसका। एक्स्टर की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। तो वो भी था मार्केट में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ली है मैंने। रवि जी एक्स्टर को भी देखा था, जुलाई में वो लॉन्च हुई थी, मैंने अगस्त में ली थी। हाँ। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जो उसका CNG वेरिएंट है, वो ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास आ रहा है। ओके। और ये ऑब्वियसली इससे बहुत चीपर प्राइस पे है। उसका एस वेरियंट आता है 9,40,000 से 60,000 के आसपास का। वो आपको अगर आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कराओगे 10 लाख का आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। सेकंड चीज, मैंने कई सारी वीडियोस पर देखा था उसके बैक सस्पेंशन में बहुत इशू है, अगर दो पीछे लोग बैठ जाएंगे तो उसका जो गैप है टायर बॉडी में बिल्कुल जीरो हो जाएगा। वो मतलब टकराता कहीं नहीं है, लेकिन टायर अंदर बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल नेक्स्ट टू जीरो है वो। तो उस पॉइंट दैट टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को एक्स्टर नहीं लेना। आपने चलाकर भी बिल्कुल नहीं देखा? चलाकर मैंने टेस्ट ड्राइव मैंने ली थी, पर मैंने पेट्रोल की ली थी टेस्ट ड्राइव। अच्छा, जब आपने इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम चलाया तो क्या महसूस करा पावर के मामले में? जो आपकी पुरानी वैगन आर है उससे आपको अपग्रेड मिला है? बिल्कुल मिला है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 1000 cc है, ये 1200 cc है। बिल्कुल। जब से BS6 फेस 2 आया, बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत चेंजेस करे हैं टाटा ने। क्योंकि ना देखो, मैं इनसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब अपग्रेड करता है ना कोई भी व्यक्ति, तो क्या क्या उसने डिफरेंस फील करा वो जानने की कोशिश करते हैं, और अपग्रेड करना वर्थ है या फिर नहीं है वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या क्या करवाया है आपने इस गाड़ी में ये? मैंने बेस टू टॉप सब कुछ कराया, ऐसा कुछ नहीं है जो ना करा एक्सेप्ट अलॉय व्हील्स। तो ये आपने लगभग कितना खर्चा करवाया इसके ऊपर? ऑलमोस्ट मैंने 1,00,000 रुपीज खर्च करा है, और मैंने इस पर PPF भी करवा रखी है। चलिए अब गाड़ी को थोड़ा सा चलाते हैं, फील करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे और बातें। गाड़ी अभी स्टार्ट है, कोई वाइब्रेशन नहीं है फिलहाल, ना पैडल पे, ना गियर लीवर पे, ना ही स्टीयरिंग व्हील पे।
और अच्छी खासी सड़क है और अच्छे खासे लोग भी बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, चार लोग बैठे हैं, तो ऑलमोस्ट फुल लोड है। इसको चलाकर देखते हैं और साथ के साथ बात भी करेंगे। अच्छा, आपको कोई ऐसा पॉइंट तो होगा जहां पर इसकी पावर की कोई कमी लगी होगी, ऐसा कुछ है क्या? जब जैसे फ्लाईओवर आता है, जब अगर पूरी पैक्ड होती है गाड़ी, लाइक पूरी फैमिली होती है, तब उस टाइम पे एक इंस्टेंस लगता है एक टाइम का कि यहाँ थोड़ा सा स्लो है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि सीएनजी का बटन ऑफ कर दो, पेट्रोल पे चला लो। अच्छा, और ये बहुत रेयर केसेस में होता होगा जब ज्यादा लोड होता है गाड़ी में। देखो, चार लोगों के बाद तो ऐसा सच कोई ना तो प्रॉब्लम हुई कोई लॉन्चिंग करने में, ना ही स्पीड गेन करने में। अच्छा, अभी जो है गाड़ी सीएनजी पर ही चल रही है और ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, जो लास्ट बार है, इस पे ये कितने किलोमीटर चल जाती है? अगर मैं सिटी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर के आसपास चल जाती है, बट अगर जब मैं हाईवे पे लेके गया था, इसने मेरे को 65-70 टच कर दिया था। 300 का एवरेज निकाल रहे हैं एक टाइम, 300 प्लस था इनफैक्ट, 300 प्लस। और कितने केजी पे, कितनी है? ऑलमोस्ट 8.9 केजी उस टाइम पे मेरे वो टैंक फुल हुआ था। इसके सस्पेंशन राइड क्वालिटी कैसी लगी आपको अभी तक? बहुत बेटर लगी। अगर मैं कंपेयर करूँ प्रीवियस जनरेशन से, मेरे पास जो कार थी, वैगनार थी, ऑल्टो थी, उससे काफ़ी बेटर लगे। जब कहो कि गड्ढा आता है तो इतना मतलब उसमें फील नहीं होता कि मतलब सस्पेंशन ऐसे, मतलब उसमें कोई ब्लैक कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट में निकाली है गाड़ी। हाँ। कोई भी वैगनार टाइप की गाड़ियाँ लेने वाला इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। और कई चीज़ें प्लस में मिल जाती है इसमें। अगर कोई भी व्यक्ति प्यार से गाड़ी चलाता है तो उसको कहीं से कहीं तक पावर की कमी फील नहीं होने वाली है इसमें। सीएनजी ऑफ मतलब स्पोर्ट्स मोड, एक्चुअली स्पोर्ट्स मोड है। अभी ऐसे जैसे मैं चला रहा हूँ ना, ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसी सिटी की सिचुएशन कंडीशन होती है तो वहाँ पर तो मुझे कोई कमी लगेगी नहीं पावर में। बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, एक्सेलरेशन भी डिसेंट है जब ये सीएनजी पे चल रही है। आप लोगों को कंफर्ट कैसा मिल रहा है पीछे? कंफर्ट में नो डाउट बहुत बढ़िया है। ऑल्दो आज मैं फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ पीछे अपनी गाड़ी में। अच्छा, एक और चीज़ है रवि जी, जब मेरे को गाड़ी लेनी थी तो मेरे माइंड में 3-4 ऑप्शन थे, लाइक एक्सटर था, देन पंच, एक मेरे पास अपना ब्रेजा और फ्रॉन्क्स भी थी। तो फ्रॉन्क्स पे जब मैं बैठा, मेरे को एसयूवी वाला फील नहीं आया। अच्छा। तो मैंने उसी टाइम पे मैंने रिजेक्ट कर दिया। देन मेरे पास फिर नेक्स्ट ऑप्शन था ब्रेजा का, तो मैंने ब्रेजा LXi CNG का मैंने वेरिएंट उनसे पता करा, तो उस पर वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट मेरे को कहते 8-9 मंथ्स लगेगा। तो मैंने कहा मेरे को जल्दी डिलीवरी लेनी हो, तो उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि आपको हमारे यहाँ से एक्सेसरीज लगवानी पड़ेगी। कितने की? वो उन्होंने मेरे को ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की बोली। मैं तब मैंने उनको कहा कि आप जो 1 लाख रुपए ले रहे हो, मैं अगर बाहर से कराऊंगा मेरा ऑलमोस्ट 50,000 में मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो बाद में उन्होंने फिर मेरे को एक अच्छा खासा हैंडसम डिस्काउंट ऑफर भी करा, बट पता नहीं क्यों मेरे को समय मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा चलो मेरे को अब 1 वीक का टाइम, तो मैं आपको कन्फर्म करता हूँ। सो आफ्टर दैट 2 दिन के बाद मैं ऑफिस के लिए ट्रेवल कर रहा था। आई स्टिल रिमेम्बर दिल्ली कैंट की रेड लाइट पे एक हैरियर खड़ी थी, रेड लाइट पर जस्ट पीछे से वो जो न्यू ब्रीजा थी उसने 45-50 की स्पीड पे हिट करा। अच्छा। हैरियर को तो कुछ भी नहीं हुआ, बट जो ब्रीजा की कंडीशन थी, लाइक बम्पर क्रैक हो गया, बोनट डैमेज हो गया, साइड फेंडर डैमेज हो गया, उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया टाटा मोटर्स की ही कार लूंगा, एटलीस्ट सेफ्टी मिलेगी और बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। ओके। कहाँ कहाँ की आपने ट्रिप कर दी है इसमें ये बताइए? जयपुर मैं सालासर गया हूँ, खाटू श्याम, आगरा, मथुरा, वृंदावन, अभी 10 दिन पहले मैं सहारनपुर गया था। तो हाईवे में चलाने में आपको इस गाड़ी में कैसा लगता है? जो फील आता है, वैसे मैं अगर कंपेयर करूँ प्रीवियस कार वैगनार से, बहुत ज्यादा बेटर लगता है। वो 80-90 के बाद ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती है वो आपको, मतलब हिलती है, ऐसा इसमें बिल्कुल भी मेरे को महसूस नहीं हुआ। कभी पहाड़ों की तरफ गए हो आप? मैं बट इस कार से अभी तक नहीं गया, एक बार ये प्लान है मेरा जाने का। आपको डिलीवरी कितने दिन में मिल गई थी इस गाड़ी की बुकिंग करवाने के बाद? तो सच बताऊं रवि जी, एक्चुअली मैंने अनऑफिशियल बुकिंग करी थी लास्ट ईयर अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई थी अनऑफिशियल कई डीलर्स में। तो मैंने उसी टाइम पे मैंने इसको बुक कर दिया था। ऑल्दो जब मैंने उसके बाद चेज भी किया था अपने एडवाइजर को, तो उन्होंने कहा कि ये दिवाली के आसपास एक्सपेक्ट है डिलीवरी करेगी, बट सडनली एकदम से एक्स्ट्रा लॉन्च हुई तो जल्दी से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। और जिस दिन लॉन्च हुआ मैंने उसी दिन मैंने कॉन्टैक्ट किया एडवाइजर से, तो उन्होंने मेरे को डिलीवरी 10 डेज के लिए कमिट कर दिया था, बट मैंने उनको कहा था कि मैं अपने बर्थडे पे डिलीवरी लूंगा। ओके, तो टाइमली डिलीवरी हो गई। बिल्कुल। टाटा मोटर की गाड़ी में अभी कुछ खास वेटिंग है नहीं, आपको जल्दी गाड़ी मिल जाती है। हालांकि वो टाइम लेते हैं आपको, लेकिन टाइम से पहले ही आपको गाड़ी दे देते हैं। कई लोगों ने 2-3 दिन में भी गाड़ी ली। आपको लग रहा है कि मैंने जितने पैसे लगाए हैं वर्थ है मेरा डिसीजन, सही है मेरा डिसीजन? बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि इस प्राइस रेंज या इस प्राइस ब्रैकेट में कोई और गाड़ी ऐसी
प्रोवाइड नहीं कर रहा, चाहे मारुति हो चाहे हुंडई हो, तो कोई भी नहीं है। सर्विस कॉस्ट भी कम है, रनिंग कॉस्ट भी कम है, पैसे भी ज्यादा आपने खर्च नहीं करें, 5-6 हजार में निपट जाएगा इसका सर्विस कॉस्ट। सही है। देखो सीएनजी की सबसे बड़ा जो है दिक्कत वो ये है बूट स्पेस। सबसे बड़ी दिक्कत इन्होंने ये रिजोल्व कर दी कि बूट स्पेस गाड़ी में अच्छा खासा आपको मिलता है, टाटा की सभी गाड़ियों में मिल जाता है, और साथ के साथ अब जो परफॉर्मेंस है वो काफी डिसेंट है। सीएनजी में ये स्टार्ट होती है, है ना, जब स्विच होती है सीएनजी टू पेट्रोल पता भी नहीं चलता। और ये लास्ट डंडे में चला रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ। पेट्रोल में चलाते हो? हाँ। चाहे ये सीएनजी में भले ही स्टार्ट होती हो, लेकिन आपको ना कभी कभार पेट्रोल में चलाना चाहिए। ये भी शायद अपनी ओनर मैनुअल में मेंशन करते हैं कि 300-350 किलोमीटर में 10-15 किलोमीटर आपके जो है पेट्रोल में चलनी चाहिए गाड़ी। तो यही है, ओवरऑल गाड़ी को लेकर काफी संतुष्ट है, अच्छी डील रही बोल रहे हैं, पुरानी गाड़ी के कंपैरिजन में काफी मजा आ रहा है, जो अपग्रेड हुआ है वो काफी वर्थ लग रहा है। तो ये जानने के लिए हम आए थे इनके पास और ये सारी बातें इन्होंने बताई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच सर आने के लिए, बुलाने के लिए।